नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे MRI स्कैन क्या होता है, MRI स्कैन कैसे किया जाता है और MRI स्कैन कराने से पहले किन किन बातों का ख्याल रखते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल नोटिफिकेशन को ऑन करें ताकि फ्यूचर में आने वाली हमारी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं कि MRI स्कैन क्या होता है। MRI स्कैन को हिंदी में चुंबकीय अनुदान इमेजिंग कहा जाता है। MRI स्कैन में पावरफुल मैग्नेटिक रेडियो वेव्स और कंप्यूटर से आपके शरीर के अंगों का फोटो लिया जाता है। ये हमारे शरीर में मौजूद छोटे छोटे प्रोटोन को एक साथ मिला के उनका फोटो लेता है। तो दोस्तों, अब ये जान लेते हैं कि MRI कैसे होता है। जब भी हम किसी आदमी को MRI स्कैन में लेके जाते हैं और उसका स्कैन को करने के लिए डॉक्टर उस आदमी के सभी कपड़े उतार कर उन्हें अपना एक अलग से किस्म का कपड़ा देते हैं और MRI स्कैन किया जाता है, तो उस समय में उसके सभी मेटल की चीज़ें उतरवा दी जाती हैं, जैसे कि घड़ी, चेन, अंगूठी या गहने। और उसके बाद MRI स्कैन की एक टेबल होती है, उसके ऊपर उसको लिटाया जाता है और उसको MRI मशीन के अंदर भेज दिया जाता है, जिसके बाद मशीन शक्तिशाली मैग्नेटिक रेडियो तरंगों और कंप्यूटर से उन इंसान के बॉडी के अंदर की पिक्चर्स लेती है। उस स्कैन के होने पर डॉक्टर आसानी से पता लगा सकते हैं कि उस व्यक्ति की बॉडी में कौन सी बीमारी है और ये बीमारी कितनी पुरानी हो सकती है। अगर मैं आपको आसान भाषा में बताऊं दोस्तों कि MRI स्कैन क्या होता है, तो MRI स्कैन एक का सीधा सा मतलब यही है कि ये एक ऐसी मशीन होती है जो हमारे शरीर के अंदरूनी भागों की फ़ोटो लेती है, जो हमारे शरीर में माइक्रो से माइक्रो चिन्हों का भी पता लगा लेती है। प्रेग्नेंट वूमेन को हमेशा अपने डॉक्टर या रेडियोलॉजिस्ट या फिर टेक्नीशियन को बताना चाहिए ताकि प्रेग्नेंट महिलाओं और उसके बच्चे का इस पर कोई भी बुरा इफेक्ट ना पड़े। अगर आप पूरी बॉडी का MRI स्कैन नहीं कराना चाहते हैं तो जिस जगह पर चोट लगी हो या जिस जगह में कोई बीमारी है, आप सिर्फ उस जगह का MRI स्कैन करवा सकते हैं। आप अपने शरीर के अलग अलग भागों का भी स्कैन करा सकते हैं, जैसे कि ब्रेन, चेस्ट या हड्डी, कंधे, घुटने और शरीर के अलग अलग भागों का भी MRI स्कैन करवाया जा सकता है। अगर आप अपनी बॉडी का पूरा MRI स्कैन करवाना चाहते हैं तो आप करवा सकते हैं। इससे ये फ़ायदा होता है कि कोई और भी बीमारी जो आपके शरीर में बन रही हो, पनप रही हो, उसका आपको पहले से पता लग जाएगा ताकि आप उस बीमारी का इलाज पहले से करके उसको आप पूरा क्लियर करवा सकते हैं। जब आप MRI स्कैन करवाते हैं तो उस समय आपको डॉक्टर को अपनी पूरी जानकारी दे देनी चाहिए, जैसे कि टैटू या आपने अपने दांत या कान में किसी तरीके का कोई चीज़ डलवाई हो, इम्प्लांट हो, तो आपको उसके बारे में आपको बता देना चाहिए। अगर आपकी हड्डी में किसी तरीके की कोई मेटल या लोहे की रॉड डली हुई है तो आपको वो भी अपने डॉक्टर को कंप्लीट बता देना चाहिए। अगर आपको किसी तरीके की कोई एलर्जी है या आप किसी तरीके की कोई सर्जरी हुई है तो उसके बारे में भी आपको अपने डॉक्टर को बता देना चाहिए। अगर आप पहले से किसी मेडिसिन का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसके बारे में भी आप अपने डॉक्टर को ज़रूर बता दें। तो दोस्तों, MRI के कमरे में किसी भी तरीके की मेटल या लोहे की चीज़ की अनुमति नहीं होती है, क्योंकि MRI मशीन जो है एक चुंबकीय क्षेत्र धातु है जो वो उसको अट्रैक्ट कर सकती है। आपको MRI स्कैन से पहले 4 घंटे तक कुछ भी खाने या पीने की मनाही होती है और कभी कभी अपने ज़्यादा मात्रा में पानी पीने को भी भुला जा सकता है। यह स्कैन होने वाले ऑर्गन पर डिपेंड करता है। जिन मरीजों में कोई धातु यानी मेटल के कुछ ऑब्जेक्ट होते हैं उनमें MRI से पहले एक्सरे की ज़रूरत होती है। वैसे तो MRI स्कैन में किसी तरीके का दर्द नहीं होता है, लेकिन अगर कंट्रास्ट की ज़रूरत होती है तो थोड़ा दर्द जरूर हो सकता है। इस टेस्ट को करने में थोड़ा टाइम लगता है, जो कि 30 से 90 मिनट तक का हो सकता है। MRI के दौरान अत्यधिक शोर होता है, जो शोर को ब्लॉक करने के लिए हेल्प करने में म्यूज़िक भी दिया जा सकता है। तो दोस्तों, अब हम ये जान लेते हैं कि MRI क्यों किया जाता है या फिर MRI अलग अलग शरीर के भागों को क्यों किया जा सकता है। तो इस पर नंबर 1 पे है कि सिर का MRI यानी ब्रेन MRI। सिर के MRI की ज़रूरत तब पड़ती है दोस्तों जब पेशेंट को कोई ब्रेन से रिलेटेड कोई बीमारी होती है, जैसे कि ब्रेन ट्यूमर हो गया, कोई चोट हो गई या एक्सीडेंट हो गया, तो उस केस में फिर ब्रेन का MRI किया जा सकता है, जिसमें डीपली जाके MRI से ये क्लियर होता है कि सिर में कहाँ पर चोट है और वो कितनी गंभीर है।
दूसरे नंबर पर हम जाते हैं चेस्ट एमआरआई। यदि पेशेंट के हार्ट को देखने के लिए ज़रूरत होती है और उसके वॉल्व की कंडीशन को देखने के लिए भी ज़रूरत होती है, या फिर उसके कोरोनरी आर्टरी में कोई ब्लॉकेज हो तो उसको भी देखने के लिए चेस्ट एमआरआई किया जा सकता है। छाती के एमआरआई में हम लंग्स का भी पता लगा सकते हैं कि लंग्स की कंडीशन क्या है, जैसे कि इन्फेक्शन हो गया। जैसे आप जानते हैं कि कोरोना काल में लंग्स में सबसे ज़्यादा जो है इन्फेक्शन होता था, उस केसेस में सीटी और एमआरआई वो सबसे ज़्यादा लंग्स का कराया जाता था। नंबर 3 पे आता है दोस्तों पेट यानी एब्डोमेन एमआरआई। तो पेट का एमआरआई से हम ये जान सकते हैं कि पेशेंट के लीवर, गॉल ब्लैडर, पैनक्रियास, किडनी या इन जगहों पर उसका क्या स्टेटस है, बीमारी वहाँ कितनी गंभीर है, किस शरीर के भाग में जितना ज़्यादा इफेक्ट है बीमारी का, वो हम एमआरआई से अच्छे से देख सकते हैं, ताकि डॉक्टर उसके बाद पेशेंट के ट्रीटमेंट को आगे बढ़ाते हैं। तो नंबर 4 पे दोस्तों आता है एमआरआई पेल्विस। एमआरआई पेल्विस में हम ये देखते हैं पेशेंट के यूरिनरी ब्लैडर, यूट्रस, ओवरीज इत्यादि के बारे में हम जान सकते हैं। और लास्ट में नंबर 5 में हम जानते हैं एमआरआई बोन। एमआरआई बोन में हम पेशेंट के जो है जॉइंट को दे सकते हैं, यानी घुटनों के और हिप्स के, हड्डी के किसी भाग में, हाथ में जॉइंट या डिसलोकेशन, या फिर पेशेंट को कोई बोन ट्यूमर तो नहीं है, उसको देखने के लिए भी एमआरआई जो है वो कराया जाता है। तो दोस्तों ये थी एमआरआई के लिए एक कंप्लीट डिटेल, जिससे हम ये पता लगाते हैं कि एमआरआई क्यों किया जाता है। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, आप जान पाए होंगे कि एमआरआई स्कैन का क्या काम होता है। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, और हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें, जिससे आपको आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। तो दोस्तों मिलते हैं फिर आपको अगली किसी नई इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।